यीशु 5000 माछो रोटी खिलाओ। यीशु अपने खास चेले प्रचार करने और माछो शिक्षा देने री ताई हद अलग अलग गांव दे डेवे। जब से तेते जेता यीशु था तो तेने ते सागे बोलो कि तेने कहा कि थो। तब यीशु से झील री दूजी तरफ ते साथे एक शांत जगह गए रे कुछ समय आराम करने री ताई वेदे। तब से एक ही नाव गए डेव गए और झील रे दूजी तरफ डेव गए। पर तेते बहुत सारे रे माछ थे जिन्हें यीशु और चेले नाव दे डेवंदी बेरी देखे थे। ए माछ तेन रे गए झील री दूजी तरफ डेवने री ताई झील रे किनारे किनारे गए भागे। और जब यीशु और चेले पहुँचे तो माछरा एक बड़ा समूह तेनरा इंतजार कर दी बेरी ते ताप ले दो थे। तेस भीड़ दी अस्त्री और छोटू रे गिनत रे बिना 5000 रे लगभग दो ज्यादा मरो थे। यीशु तेनो माछ गए बड़ा तरस किया। यीशु री ताई से माछ बिना ग्राय रे बेड़ो रे समान थे। ए री ताई तेनिये तेनो शिक्षा दित और तेनो बीच द जो माछ बीमार थे से ठीक किए। देश रे अंत दो चले यीशु द बोलो एबे देर हो गय और आस पास किए न करनी इन माछ विदा कर ताकि से डे खाने री ताई कुछ लय। पर यीशु चले द बोलो तुम्हें न खाने री ताई कुछ दे। तेने जवाब दिता हमें एरो केरो कर सको हम आगे 5 रोटी और 2 मछली हो। यीशु अपने चेले द बोलो कि से भीड़ रे माछ घास गए 450 रे समूह दे बैठने री ताई बोलो। तब यीशु 5 रोटी और 2 मछली लय स्वर्ग रे दियो देखो और तेस नजरी ताई परमेश्वर रा धन्यवाद किया। तब यीशु रोटी और मछली टुकड़े दी चोड़ी तेनिया माछ देने री ताई अपने चेले से टुकड़े दे पे चेले से नाज बांटते रहे और से कबे खत्म नहीं हो से बादे खायो संतुष्ट हो गए। तई बस के चेले से अनाज कठो कियो जो बच गो थे और से 12 टोकरी भरने री ताई पूरो थे। से सारो अनाज तई 5 रोटी और 2 मछली दो ले थे। मत्ती अध्याय 14:13-21 मरकुस 6:31-24 लुका 9:10 यहुन्ना 6:5-15 तो एक बाइबलर कहाना।